का सवाल ये है कि अगर बात करें हम एयरपोर्ट के कंपैरिजन करें इंडिया पाकिस्तान का, तो इंडिया में ना ही करें इंडिया में जो एयरपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो 430 यानी कि 450 एयरपोर्ट्स टोटल हैं, ठीक है। लेकिन अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की बात करें तो 134 हैं। एयरपोर्ट्स के एयरपोर्ट एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स नहीं नहीं एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट ओके अच्छा, अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल बात करें वो 34 हैं, और ओवरऑल बात करें तो 430 हैं, 450 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। इस हवाले से आपकी क्या राय? इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट की है उन्होंने, बजाय इसके पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जिसमें से एक दो को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन, न्यूज़ चैनल पे भी चलता रहता है यही चीज़ है। जबकि इंडिया में बहुत प्रोग्रेस उन्होंने पकड़ी है लास्ट 4 to 5 ईयर्स में, वरना उनकी भी यही आदत थी हर किसी की दूसरों की ज़िंदगी में टांग अड़ाने की, जैसे पाकिस्तानी अभी कर रहे हैं। मतलब आई थिंक कि बाकी अदर कंट्रीज़ के अलावा पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ रही है कि दूसरों की ज़िंदगी में टांग अड़ानी है, तो जब तक कि हम टांग अड़ाने से बाज नहीं आ सकते तब तक हम डेवलप नहीं कर सकते। अब मोदी ने इतना सबको, मोदी सरकार ने इतना सबको बिज़ी कर दिया है, इतना बिज़ी कर दिया है सबको कि उनके पास टाइम ही नहीं है, कि जैसे आउट ऑफ कंट्रीज़ में होता है कि किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, तो इतना टाइम ही नहीं है कि सब एक दूसरे के लिए मतलब अपने प्रोग्रेस में भाग दौड़ में और डिवेलप करने के लिए भाग रहे हैं। और एक इस वजह से फिर ये जब सब चीज़ें हुई तो इस वजह से एक इंडिया जो है प्रोग्रेस कर रहा है, और अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहा है, कि इंडिया हमारे बहुत पीछे था लेकिन अब इंडिया हमारे तकरीबन कुछ हद तक यकजहता हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। लेकिन पाकिस्तान को भी आई थिंक इस तरह की मेहनत करनी चाहिए, और हमें भी। आप ये कह रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो एक बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, इंडिया हमसे बहुत पीछे था, इंडिया बहुत पीछे था, बट अब इंडिया हमसे जिस स्पीड में जा रहा है, अगर इसी चीज़ में जाते रहे, इसी स्पीड में जाता रहा, तो इंडिया 2 से 3 साल में हमको पीछे छोड़ देगा। इंडिया हमें पीछे छोड़ चुका है अगर फैक्ट एंड फिगर के हवाले से बात करें तो। बाकी दो से तीन इंडिया की इकोनॉमी का पता है? नहीं, मुझे इतना आइडिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी का पता है? जीडीपी का पता है आपको इंडिया की? बिल्कुल। कितना है पाकिस्तान की जीडीपी का पता है? नहीं, पाकिस्तान का नहीं पता। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की सक्सेस एक बराबर है, या इंडिया पहले पीछे था और अब वो अब बराबर आ गया? बिकॉज मेरी फ्रेंड ने सर्वे किया था, उसका ये काम है, यानी कि ना काफ़ी, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरर्स का, तो उन्होंने जब ये चीज़ देखा कि यहाँ पर उसे इतना सक्सेसफुल रेट और ये चीज़ें नहीं मिली जितनी उधर इंडिया में जाके ये चीज़ें मिली। इवन उसने 2 से 3 जगहों पे वहाँ पे काम किया और उसे बहुत सक्सेस और बहुत नाम मिला वहाँ पे ना इन चीज़ों में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो कुछ है। बिल्कुल, यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, यहाँ पे लोगों के तरले करते रह जाओ, लेकिन वो चीज़ आ ही नहीं रही थी, उसको उस चीज़ ने प्रॉफिट दिया ही नहीं जितना इंडिया में इसने प्रॉफिट कमाया है। और अब वो तकरीबन जल्दी ही इंडिया, यानी कहती है मैं तो शिफ्ट हो जाऊँगी। हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा लड़कियों के हवाले से थोड़ी सी इशूज़ हैं, लेकिन बाकी मामले में अगर मैं कहूँ तो इट्स सक्सेसफुल। लड़कियों के मामले में क्या इशू? लड़कियों के, यार वहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है, वहाँ पे बाजार जो होते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान में लड़कियाँ सेफ हैं? रात को 12 बजे निकल सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको ऐसे सड़क पे छोड़ सकते हैं? मुझे तो 8 बजे भी नहीं छोड़ते नहीं, पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है, बट इंडिया में ये हालात ज़्यादा ख़राब है, मे बी दैट्स व्हाई, बिकॉज वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है सबसे ज़्यादा एयर होस्ट्रेस की नंबर 1 पे जो फीमेल एयर होस्ट्रेस हैं, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे नहीं इंडिया की है, और यूएसए को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। यार मैं इंडिया जा रही हूँ लाफिस अच्छा मेरा दूसरा सवाल इतना है नहीं भाई, मैं इंडिया जा रही हूँ। अच्छा, मेरा ये कहूँगी कि ये उनका गुड वर्किंग है, ठीक हो गया। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे इधर होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इंडिया एक बड़ा नेशन है, उसकी 130 मिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है। उनके कोई 27 के करीब प्रोविंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद उनके अपना स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट जो यूनियंस हैं, 4 यूनियन हैं उसके अंदर। तो इस लिहाज से तो उनकी पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए इतने एयरपोर्ट्स होने चाहिए ना। उसके अलावा उसकी इकॉनमी जो है वो $2.7 trillion की है, तो हमारी इकॉनमी जहाँ तक है वो $300 million की। तो हमारे पास थोड़े एयरपोर्ट हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए उनके पास मेट्रोज हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उनकी रेलवे लाइन्स आप देख लें कितनी, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईवेज जो थे पहले इंडिया में थे अब चाइना के अंदर हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से तो उनकी पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए इतने एयरपोर्ट्स तो होने चाहिए ना, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, लोकल, और जो स्मॉल एयरपोर्ट्स हैं, प्राइवेट एयरपोर्ट्स भी हैं वहाँ पे, जो प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स हैं, जैसे मुकेश अंबानी की अपनी प्राइवेट एयर स्ट्रिप है जहाँ पे उसके हेलीकॉप्टर और ज़्यादा चीज़ें लैंड होती हैं। तो
इस लिहाज से इतने एयरपोर्ट तो होने चाहिए। अच्छा सर, यानी कि इंडिया जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, आप इस हवाले से क्या किस तरह की तवज्जो की बात? ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मतलब बहुत, अगर देखा जाए उनका रेलवे सिस्टम, उनके मेट्रोज, उनके हाईवेज और तो और आपको पता है एयरपोर्ट्स भी सबसे ज़्यादा उधर पाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो इसलिए कि यार उन्होंने तवज्जो देनी है कि उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1.3 ट्रिलियन यानी कि बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रह रही है, तो उसको उन्होंने अकोमोडेट नहीं करना, उनके लिए हाईवेज नहीं बनाने, उनके लिए एयरपोर्ट्स नहीं बनाने, उनके लिए अपना क्या कहते हैं ट्रेन स्टेशन नहीं बनाने। अगर वो नहीं बनाएंगे तो इतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कैसे करेंगे? वो फिर क्या पैदल जाएंगे? पैदल चलने के लिए तो आपको सड़क भी चाहिए, रास्ते भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो इसलिए फिर उनको अकोमोडेट उन्होंने करना है भाई। आखिर कि अगर बात करें एयरपोर्ट, जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से मैं खुश हूँ इंडिया, मैं आप लोगों के साथ हूँ इंडियंस। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल तो सुन लें आप, जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है पिछले 7 सालों में, इन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। लेकिन अगर उनकी ही गवर्नमेंट के पिछले कंपैरिजन किया जाए तो 65 सालों में जो एयरपोर्ट्स बने थे वो ऑलमोस्ट जो थे वो 90 के करीब थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 40 से ज़्यादा बने, इस हवाले से क्या कहें? हाय, नरेंद्र मोदी वैसे मेरा बहुत, वैसे मुझे पहले पसंद नहीं था स्टार्टिंग में जब आया, लेकिन उसने जिस तरह से इंडिया को सक्सेस रेट दिया है तब से मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ पर्सनली। मतलब देखिए, इंडिया पाकिस्तान की वैसे लड़ाई एक अलग तरफ है, सारा कुछ एक अलग तरफ है, जब लड़ाई होगी तब देखा जाएगा, बट मैं बहुत खुश हूँ उनकी कामयाबी को देख के। साहब जब आए तो उनका जो टेन्योर है, अब वो देखना इस टेन्योर के अंदर उन्होंने इंडिया ने डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा की है, उसके अलावा इंडिया के ग्लोबल रिकग्नाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हुई है, ग्लोबल जो फॉरेन रिलेशंस हैं इंडिया के वो भी अच्छे डेवलप हुए हैं, उनका ट्रेड बढ़ा है। उसके बाद जो इस दौर में ये बड़ा पीसफुल दौर रहा है मोदी साहब के, जो 7 साल रहे हैं ना, तो इकॉनमी के लिए बड़ी पीसफुल है ना, उन्होंने कोई जंगें लड़ी हैं, ना कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं, ना अमेरिकन के साथ कोई उनके इख्तलाफात हुए हैं, तो बड़ा पीसफुल दौर था 7 साल का। तो उन्होंने फिर अपने मुल्क पे तवज्जो देनी थी ना 7 सालों में, जब डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो, जब आप मुल्क के किसी साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होते तो आप अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे काम करते हैं, अपने फॉरेन रिलेशंस जब आपके मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आप अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। उसके अलावा इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, यानी कि इवन हर कंट्री के अंदर आपको इंडियंस मिल जाएंगे, ठीक है, इंडियन लेबर भी चीप है, दुबई में इवन इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर भी इंडियन लेबर्स को एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यानी कि वो मल्टीटास्किंग के लिए अच्छे होते हैं और उनकी लेबर जो है चीप होती है, तो इस वजह से भी मोदी उनको जो रेमिटेंस भेजते हैं, तो उन्होंने अपने फॉरेन जो इंटरनेशनल जो रेजिडेंट हैं कि ओवरसीज NRIs जिनको वो कहते हैं, उनको भी तो अकोमोडेट करना है, तो इसलिए उन्होंने भी एयरपोर्ट उन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है, ताकि वो अपने शहरों के करीब, अपने घरों के करीब जाके लैंड हो सके, उनको डोमेस्टिक फ्लाइट्स वहीं की मिल जाएँ जहाँ से उनको घर करीब पड़ता है। अगर उनको ज़्यादा दूर जाने के दिल्ली से उन्होंने पंजाब जाना हो, उस बीच में एयरपोर्ट ना हो, तो ट्रैवल जो है वो 8-10 घंटे का पड़ जाएगा, तो इसलिए फिर उन्होंने एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा काम किया है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की सॉफ्ट इमेज मज़ीद बेहतर होती जा रही है या हो गई है? सॉफ्ट इमेज इंडिया की ऑलरेडी पहले भी बेहतर थी, बट अब इनके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस वक्त, कोई वो जंग नहीं लड़ रहे एट अ मोमेंट, वो अब जंग नहीं लड़ रहे, वो इवन के अफगानिस्तान से उन्होंने अपने जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको भी वापस बुला लिया है कि अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ख़राब हो रहा है, तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो उन्होंने वहाँ पे जो लेबर उनकी काम कर रही थी उनको भी विड्रॉ करवा ली है, तो इसलिए और वो लेबर इसलिए वहाँ पर आई है कि उनको भी जॉब्स दी जा रही हैं। हाँ जी, वो उनको जॉब मिल रही थी ना अफगानिस्तान में, तो इसलिए वहाँ पे गए थे वो, वापस बुला लिया, यानी कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया में दे रहे हैं तो वो वापस जा रहे हैं। जारी बात है, उनको अकोमोडेट तो करेंगे ना, कि वहाँ पे आप काम जो वो कर रहे थे उससे बेटर काम आगे वो इंडिया में करें, ताकि उनकी लाइफ तो सिक्योर रहें, पहले तो उन्होंने अपनी लाइफ सिक्योर करें ना, अपने जो नेशनल्स हैं उनकी लाइफ सिक्योर करेंगे, उसके बाद ही वो दूसरा काम करेंगे ना, कि इकॉनमी के लिए वर्क करेंगे या किसी और चीज़ के लिए वर्क करेंगे, पहले तो लाइफ सिक्योरिटी है ना। घुमा के अगर पाकिस्तान भी याद हो गया, हाँ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर बात करें, हम पाकिस्तान कहाँ पर रह गए इस फील्ड में पीछे इतना? अल्लाह जाने, हम लोग, मैंने बताया ना, हम लोग एक दूसरे के घरों में टांग जांग से, पाबंदियाँ लगाने से और अपने आप को बहुत अजीम समझने से और टांग रहने से निकल ही नहीं पा रहे, तो हम आगे क्या जाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इकॉनमी जो है वो 300
बिलियन डॉलर्स की है, उनकी ट्रिलियंस में है, ठीक है, 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है उनकी। उसके बाद हम टू एंड पे जंग लड़ रहे हैं, एक अफगानिस्तान के साथ, एक इंडिया बॉर्डर का भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा FATF में भी हम ग्रे लिस्ट पे हैं इस वक्त। अभी हमारी इकॉनमी जो है इतनी बूस्ट नहीं करी, जब तक हमारी इकॉनमी बूस्ट नहीं करेगी, हमारे फंड नहीं होंगे डेवलपमेंट के लिए, तो हम एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो रोड नहीं बन रहे। आप हाईवे पे कभी ट्रैवल किए? जब हाईवे को उन्हीं रोडों पे, यानी कि दोबारा मरम पट्टी करके उन्हीं रोडों को चला रहे हैं, उनको दोबारा से रीडेवलप नहीं कर रहे, दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे। हम पाकिस्तान की बात करें तो एयरपोर्ट के हवाले से, तो पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया? हालांकि हम इकट्ठे 70 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, तो फिर इसके पीछे क्या वजह है? देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान को जो उसका हक बनता था, राइट बनता था इकॉनमी का, वो उसको नहीं मिला। इंडिया ने हमारे फ़ंड रोके रखे हैं, तकरीबन 2 साल तक हमें हमारे फंड्स नहीं मिले। जब एक मुल्क टूटता है ना, तो उसके एसेट्स शेयर होते हैं, तो इंडिया ने हमें वो एसेट शेयर नहीं किए। उसके बाद अफगान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, रशियन कोल्ड वॉर स्टार्ट होगी, फिर हमने 2 जंगें लड़ी, 65 की 71 की, फिर 99 की कारगिल वॉर्स। और उसके अलावा हमारी पॉपुलेशन थोड़ी है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम हैं। उसके अलावा हमें हर तरफ से, यानी कि ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हमारी जो ज्योग्राफी है वो ही बड़ी ख़तरनाक है। उसको हम सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उस पर हम वर्क कर रहे हैं, या अपने इनलैंड डेवलपमेंट करें, तो इस वजह से पाकिस्तान की इनलैंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी जो है वो आज तक, वो कंसर्न जो है वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हो सके। पाकिस्तान हर जगह पर पीछे रह गए हर जगह पे पीछे रह गया है। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने दिया क्या है आके? तंगी, परेशानियाँ, कुछ भी नहीं। बनाया क्या है? वो अभी बन रहे हैं, इनकम्प्लीट है, कुछ भी नहीं बन रहा।